धड़क मूवी 2018 में बनाई गई थी। ये रीमेक थी साउथ की मूवी सैरत का। साउथ की मूवी सैरत काफी हिट गई थी, उसी को देखते हुए डायरेक्टर ने ये हिंदी फिल्म धड़क बनाई थी और इसमें दो फ्रेश चेहरे लिए थे, यानी कि जानवी कपूर और ईशान खट्टर को। इन दोनों ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप गई थी। इस फिल्म की जो एंडिंग थी वो काफी आश्चर्यजनक थी, और इस आश्चर्यजनक एंडिंग के बावजूद ये फिल्म दर्शकों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाई थी और बुरी तरीके से पिट गई थी। लेकिन इस फिल्म की असफलता के बाद भी मेकर्स अब धड़क पार्ट 2 बना रहे हैं, तो कुछ सोचकर ही बना रहे होंगे। नाम तो वही है, पार्ट 2 जोड़ दिया गया है, लेकिन जो इसके कैरेक्टर्स है वो चेंज कर दिए गए हैं। लीड रोल में इस बार तृप्ति डिमरी का नाम सामने आ रहा है, और अभी ये कन्फर्म नहीं है, ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है, लेकिन अभी इसका ट्रेलर वगैरह कुछ आया नहीं है, टीजर इसका आया नहीं है। तो ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि धड़क 2 में तृप्ति डिमरी जो है क्या कमाल दिखाती है। फिलहाल इसके कास्ट की बात करें तो जो हमारे पहले एक्टर हैं उनका नाम है हरीश खन्ना, और इनकी उम्र हमने नेट पे ढूंढने की कोशिश की पर मिला नहीं, इसलिए मैंने डाल नहीं रखा है। और जो हमारे अगले एक्टर हैं उनका नाम है दिशांक अरोड़ा, और इनकी एज है 38 साल। 27 अक्टूबर 1985 में इनका जन्म हुआ था। और जो हमारी अगली एक्ट्रेस हैं उनका नाम है मंजरी पुपला, और इनकी एज है 32 साल। 25 अक्टूबर 1992 में इनका जन्म हुआ था। और अगली एक्ट्रेस हैं उनका नाम है दीक्षा जोशी, और 31 साल की हैं ये, और 4 दिसंबर 1992 में इनका जन्म हुआ था। और जो हमारे अगले एक्टर हैं उनका नाम है विपिन शर्मा, और इनकी एज है 62 साल। 18 फरवरी 1962 में इनका जन्म हुआ था। और जो हमारे अगले एक्टर हैं उनका नाम है सौरभ सचदेव, और इनकी एज है 45 साल। 24 सितंबर 1978 में इनका जन्म हुआ था। और जो हमारे अगले एक्टर हैं उनका नाम है सिद्धांत चतुर्वेदी, और इनकी एज है 31 साल। 29 अप्रैल 1993 में इनका जन्म हुआ था। और जो हमारी अगली एक्ट्रेस हैं जो इस फिल्म में लीड रोल का किरदार निभाएंगी, उनका नाम है तृप्ति डिमरी, और इनकी एज है 30 साल। 23 फरवरी 1994 में इनका जन्म हुआ था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।